आज मैं इस वीडियो में उन बच्चों के लिए कुछ बात कहना चाहती हूँ जो 10th के बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं या दे चुके हैं। वो लोग नॉर्मली कंफ्यूज होते हैं कि आगे जाके हमें क्या लेना है, साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज। साइंस उन लोगों ने पढ़ रखा होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उन लोगों ने 10th तक काफ़ी कुछ पढ़ रखा है और उन्होंने ह्यूमैनिटीज़ में भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह पढ़ रखा होता है। सो एज अ रिजल्ट बच्चे के माइंडसेट में यही होता है कि या तो साइंस है या ह्यूमैनिटीज़ है, अगर बीच में कुछ उनको साइंस नहीं मिलती है तो वो लोग कॉमर्स की तरफ जाते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो कॉमर्स एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ में पूरी लाइफ काम आ रही है। अगर आपको कोई गवर्नमेंट के फॉर्म्स भरने हैं, कोई रिटर्न्स भरनी है, बैंक लोन अप्लाई करने हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट की स्टडी करनी है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स देखने हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक कॉमर्शियल नॉलेज चाहिए ही चाहिए। सो इसके लिए BGIS में हम कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर एक नई तरीके की चीज़ ला रहे हैं और वो है कॉमर्स विद प्रैक्टिकल अप्रोच। हम यहाँ पर बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट देंगे कि यहीं पर ही वो 11th 12th के साथ साथ अपने कॉमर्स की एजुकेशन के साथ साथ आगे प्रोफेशनल बनने के लिए भी तैयार हो। देखिए साइंस वाले बच्चे 9 से तैयारी शुरू कर देते हैं, इसीलिए हम लोग BGIS के अंदर एक नया पेपर दे रहे हैं, BSAT। आप में से किसी के बच्चे जो कॉमर्स के अंदर जाना चाहते, आप ये BSAT का एग्ज़ाम दीजिए। इस एग्ज़ाम के बेसिस पर हम बच्चों को सेलेक्ट कर देंगे और जो बच्चे हमें लगते हैं कि हाँ ये आगे भविष्य में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं या सिंसियर बच्चे हैं, हम उनको यहाँ पर अपने पास बोर्डिंग में रखकर एक ऐसा पर्सनैलिटी बनाएंगे ताकि वो वर्ल्ड के लीडर्स बन सकें। सो उनके लिए जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इस भीड़ भाड़ से ऊपर उठना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू बिकम लीडर्स, वेलकम टू भक्ति विदान गुरुकुल एंड इंटरनेशनल स्कूल। आपको इसके लिए एक BSAT का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, 100% स्कॉलरशिप तक है। आप अगर रियली में कुछ करना चाहते हैं तो आइए एंड जॉइन अस। हरे कृष्णा।